अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा टैक्योमेट्री सर्वे का लेक्चर 6th है, ठीक है। इसमें आज हम करने जा रहे हैं दैट इज टेंजेंशियल सिस्टम। स्टेडी हेयर सिस्टम हमने अभी तक ख़त्म किया, उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए और मैंने गूगल क्लास में भी उसके न्यूमेरिकल करवाए हैं। अब जो हमारा है वो है टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टैकोमीटर। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसमें स्टेडिया हेयर नहीं होता है। जो हमारा डायफ्राम होता है, अपर लोअर जो डायफ्राम इसमें फिट किया हुआ होता है, तो वो उसमें नहीं होता है। इट एक्ट्स लाइक एज ए सिंपल, जो हम थियोडोलाइट सर्वे में कर रहे थे सेम वैसा ही है। जो इसमें टैक्योमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं उसमें स्टेडिया हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। और इससे हम जो हम निकालने जा रहे हैं दैट इज़ वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सेम, या तो वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं या तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं। दोनों चीज़ें, वर्टिकल हाइट भी निकालते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालते हैं। इसमें हमारे पास तीन तरह के केसेस होते हैं। कितने केसेस? तीन केसेस। फर्स्ट केस जो होता है व्हेन बोथ द ऑब्जर्व्ड एंगल आर एंगल्स ऑफ 11, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डायग्राम जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जो मैंने कल भी आपको गूगल मीट में समझाया था किस तरीके से हम करते हैं। दैट में लेवल स्टॉप हम यहाँ पे खड़ा करते हैं, ठीक है। एक टारगेट हम इस तरीके से लेते हैं, एक टारगेट हम किसी दूसरे पॉइंट पे लेते हैं, मान लो टॉप पे ले लिया, ठीक है। तो ये टारगेट ए मान लो, ये टारगेट बी मान लो, ठीक। इसको मैं ओ, जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है इसको ओ मान लिया, ठीक है। ये ओ डैश मान लो। अब जो हॉरिजॉन्टल साइट है या इंस्ट्रूमेंट साइट है वो इस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें डी कहते हैं, समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डी कहते हैं। मान लो दिस पॉइंट इज़ माई क्यू, ठीक है। दिस पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसको मैं एच कहता हूँ, ठीक है। और ए से बी की डिस्टेंस को मैं एस कहता हूँ, ठीक। और जो वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल हाइट इज़ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज माई वी, ठीक। ये सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि हमें जब RL निकालते हैं तो उस समय हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन किस चीज़ को हम क्या कहते हैं। ये पहला एंगल जो हमारे पास है थीटा वन, सेकंड थीटा टू। अब D कैसे निकालते हैं, मुझे पता है। दैट मीन्स A से Q, A Q कितना है V, ये मेरा V प्लस S, ठीक है, V प्लस S। नाउ A Q इज इक्वल टू V प्लस S। V प्लस S अगर मैं इन ट्रायंगल ओ डैश ए क्यू में लेता हूँ या ओ डैश क्यू ए के में लेता हूँ, V प्लस S इट इज़ अ परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, टेन ऑफ थीटा वन किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर V प्लस S डिवाइड बाई बेस इज D। दैट मीन्स V प्लस S किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, V प्लस S इज इक्वल टू डी टेन थीटा वन, ठीक है। और
इन सेकंड केस ओ डैश बी क्यू में, ठीक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बी से क्यू तक की डिस्टेंस वी कहलाएगी। ठीक है, वी डिवाइड बाई डी किसके बराबर होगा, टेन थीटा टू के बराबर होगा। ठीक, वी किसके बराबर होगा, डी टेन थीटा टू। अब इस वी को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इस वी को मैं यहाँ पे सबस्टिट्यूट कर लेता हूँ, दैट इज़ फर्स्ट, दिस इज़ माय सेकंड। सबस्टिट्यूटिंग सेकंड इन फर्स्ट, मुझे क्या मिलेगा, डी टेन थीटा टू माइनस डी टेन थीटा वन इज इक्वल टू माइनस एस। इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, डी टेन थीटा वन माइनस डी टेन थीटा टू इज इक्वल टू एस। वो तो सबको पता है कैसे हो जाता है, वो डी को मैं कॉमन निकालता हूँ, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू इज इक्वल टू एस, और जो डी है वो किसके बराबर बन जाएगा, एस डिवाइड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। ये याद रखना है आप लोगों को, एस किसके बराबर आ गया, डी किसके बराबर आ गया, एस डिवाइड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। इसी तरीके से मैं वी भी निकाल सकता हूँ, वी किस तरीके से निकलेगा आपको पता है, डी टेन थीटा टू के बराबर है, ठीक है, और जो डी का वैल्यू मैंने अभी निकाला, ठीक, वो किस तरीके से निकलेगा, डी का वैल्यू है एस डिवाइड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, और मल्टीप्लाई में क्या है, टेन थीटा टू। ठीक है, ये वी निकल जाएगा, वी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एस टेन थीटा टू डिवाइडेड बाई टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। ईजी, आपको वी निकालना है या आपको डी निकालना है। ठीक है, दोनों हो गए यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड केस, केस टू में हमारे पास वन दोनों एंगल्स डिप्रेशन होते हैं, बोथ एंगल्स आर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है और स्टाफ यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी पहली साइट हो गई, दूसरी साइट हो गई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक तो पता है आपको ऐसे। ठीक है, और यहाँ से ऊपर वाले तक हमारे पास क्या होता है, वी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक मान लो ग्राउंड डिस्टेंस है जी, और स्मॉल एच से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, यहाँ पे आपका जो थीटा वन होगा, थीटा वन विल बी दिस एंड थीटा टू विल बी दिस, और जो बाकी सारा प्रोसीजर है वो सेम है। इसमें अब डी डी बराबर होता है एस डिवाइड बाई टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन, एंड वी जो होता है वी डी टेन थीटा टू के बराबर निकल जाएगा, डी टेन थीटा टू, और इसको हम लिखते हैं एस टेन थीटा टू डिवाइड बाई टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। पहले में टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू बाकी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन, यहाँ पे अगर आप देखोगे टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू। एंड द थर्ड केस जो हमारा होगा, एक साइट हमारे पास एलिवेशन की होगी एंड द सेकंड वन भी डिप्रेशन, वन एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड अनदर डिप्रेशन। उसमें आपको डायग्राम इस तरीके से बनेगी, दैट मीन्स ये वाला और जो स्टाफ है ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, एक आपने यहाँ पे ले लिया और एक आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक, तो इसमें जो आपका थीटा वन ये वाला हो गया, थीटा टू ये मान लो,
ठीक है, इसमें अगर आप देख लोगे, इसमें जो हमारा डी होता है, डी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू, ठीक है, एंड वी डी टेन थीटा टू के बराबर है। वो किसके बराबर आ जाएगा, एस टेन थीटा टू डिवाइड बाई टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा टू। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, खाली आपको याद रखना है व्हाट इज़ माय कंडीशन, कंडीशन क्या है मेरे पास, और जो मुझे निकालना है वर्टिकल एंड एट द एंड आपको आरएल निकालने हैं। जब आप डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी तो उसके बाद आप आरएल निकाल सकते हो इजी। ओके।